भाई साहब आ चुका हूँ फोर्ट रेलवे स्टेशन कोलंबो में। भाग भाग के टिकट लिया है जल्दी से, जा रहा हूँ समुद्र के किनारे पर लूनावा बीच पर कोलंबो में, क्योंकि कोलंबो सिटी में ऑलरेडी रुक चुका था मैं। तो हेलो गाइस, आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को अब तक के सबसे बेहतरीन नज़ारे समुद्र के। जो ये रेलवे ट्रैक है वो समुद्र के बीच के बिल्कुल पैनल है, तो आप लोग इसे इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है। तो ये देखिएगा प्रकृति का सुंदर नज़ारा, और मैं हूँ इस टाइम कोलंबो से लूनावा जा रहा हूँ। सुबह मैं दामबुल्ला से आया था। अपनी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में समुद्र के किनारे इस तरीके का हवा, और आप लोग देखिए। तो भाइयों, अब तक की बेस्ट जर्नियों में से एक जर्नी मेरी है, बहुत ही अच्छा व्यू आप लोग देखेंगे यहाँ पर, शायद कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन आ जाए। तो साथियों, व्यू का नज़ारा देख लो भाई, ये है सामने हिंद महासागर। तो देखो सामने देख रहे हो, दिखा रहा हूँ आप लोग, ये है कुछ कलकत्ता मैंने पीछे छोड़ दिया, सॉरी कोलंबो मैंने पीछे छोड़ दिया, और इस व्यू के साथ हम लोग सारे बताते हैं। रात को इधर ही रुकूंगा और मॉर्निंग में फिर मैं इधर से ही आऊँगा, इस रूट से होते हुए मॉर्निंग में आपको नए लोग के भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में। अभी होने वाला है सनसेट, ये कुछ व्यू है। किनारे को झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं यहाँ पर बीच के पास में, शायद ये फिशरमैन मछुआरों की है। तो भाई साहब व्यू देख लीजिए जरा, समुद्र के किनारे मैं उतर चुका हूँ ट्रेन से, और अब जा रहा हूँ पहले रेलवे स्टेशन से बाहर निकलूँगा। बाहर इस तरह का नज़ारा है कुछ, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो। बाहर एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट करने के बाद निकलता हूँ इस गाड़ी से मैं आया था। ये जा रही है गाले, पैसेंजर है। मैं रुकूँगा आज लूनावा स्टेशन, इसके आस पास ही कोई होटल देखता हूँ। मेरी लाइफ का अब तक का ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था रेलवे के यात्रा का, क्योंकि साइड में था समुद्र और समुद्र के साथ ही चल रही थी गाड़ी। बहुत अच्छा लगा, मतलब आप लोग यदि कभी श्रीलंका आएँ तो ज़रूर इस जर्नी को एंजॉय करें। तो भाई स्टेशन का कुछ नज़ारा देख लो आप लोग, सामने स्टेशन स्टेज से आया हूँ मैं। तो भाइयों देख लो सनसेट का व्यू कोलंबो में, मैं हूँ इस टाइम, बहुत ही खतरनाक व्यू है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। तो गाइस इस होटल में, होटल रेन वैली रिजोर्ट करके है, अब अंधेरा हो चुका है, मैंने रूम ले लिया। आके मैंने पहले कपड़े चेंज करे और मुंह धोया क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब मैं नीचे कुछ घूमने जा रहा हूँ, वैसे अंधेरा हो रहा है बहुत, तो देखते हैं कुछ डिनर करके फिर आप लोगों से मिलता है।
छोटा सा होटल है यहाँ पर, और मेरे अलावा एक भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है। यानी श्रीलंका में इस टाइम टूरिस्ट बहुत ही कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डिनर करूँगा, करके फिर होटल में जाऊँगा, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलता हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को ये जो श्रीलंका सीरीज़ है पसंद आ रही होगी। कल मिलता हूँ फिर आप लोगों को नए एपिसोड में। थैंक यू।